नमस्कार दर्शक बंधु, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानकु स्वागत। दर्शक बंधु, वर्तमान समाज रे आंठु गंठी बात एक साधारण रोग रे परिणत हो गेलन बेली कहिले चले। प्राय जहाँ देखिबो गंठी दरज होउची, अंटा दरज करुची, देहात बिंधा चेटिका होउची इत्यादि इत्यादि। तापे आपण माने विभिन्न डाक्टर पाखु जाई जो भाई खर्चांत होउचंती एवं कौन सी फलप्रद होना ता अत्यंत परितापर विषय। तेब यह परिस्थिति रे एकमात्र सहाय होउची बहु परीक्षित आयुर्वेदिक पद्धति जहाँकि मुझे आपन को ये वीडियो माध्यम रे कहूँ आपण मैंने व्यवहार करूँ एवं सुफल पातु। एवं अनुरोध करी जो नुआ दर्शक मैंने आज पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल कर रेड कलर सब्सक्राइब बटन को क्लिक करी चैनल टी सब्सक्राइब करनी एवं बेल नोटिफिकेशन ऑन करूँ कारण आप चैनल टी सब्सक्राइब कले आपण मैंने सब बेले एभली वीडियो देखिपर एवं यार लाभ उठे पारे। तेबे आंठूगंठी बात भल करने जो परीक्षित पद्धति अच्छी ताको वर्णना करनी शोधित कोचिड़ा मंजी चूर्ण समभाग गोलमरीच चूर्ण एकत्र करी पानी रे दुई चामच हिसाब रे बटिका करी रस सिंदूर खल रे मर्दन करी ता उपरे एही बटिकाटी को गोड़ेले ताहा लाल बर्ण होइजिवो। एही बटिकारु गोटे सकाळे छड़ा मूत सहित एवं संध्यारे पानपत्र रस सहित किछि दिन खाइले आंठूगंठी बात संपूर्ण आरोग्य होइथाए। औषध खाइबा पूर्वरु झाड़ा दी सफा न होउथिबो तो झाड़ा सफा करैबार औषध खाइनबा उचित। छड़ा मूत आपण तीन चामच रु पांच चामच पर्यंत देबे। तबे छड़ा मूत तो आप जानपे तेनालीर मुझे कहार आवश्यक ना। जदि छड़ा मूत कौन जानना तो मत कमेंट करेंगे मुझे कमेंट रे रिप्लाई करदेवि। तथापि तो कहीदी आपणकर जो माई बाछुरी गोठ को जा नए छड़ा कह जाए आपण से छड़ार मूत को तीन रु पांच चामच पर्यंत व्यवहार करेंगे। पथ्य यही आंठूगंठी बात आपण लुण लंका मरीच एवं खटा खाइबे नहीं। क्षीर यथेष्ट परिमाण रे खाइबे। क्षीर भात अथवा भात रे यथेष्ट घी देकर खाइबे। तबे ये चिकित्सा बाद आउ मध्ये चिकित्सा अच्छी मुझे कहूँ जदि चिकित्सा रे कई फलप्रद हूँ ना तार परवर्ती पद्धति को व्यवहार करनवा भल। बासंग पत्र रस एक चामच घी एक चामच एकत्र मिसाई से एक चामच हरिताल भस्म पकाई सकाळे और संध्या खाइबे। एहिपरि सात दिन बा चौदह दिन खाइबा आवश्यक। पथ्य केवल क्षीर रुटी बा घी रुटी को व्यवहार करिवे। से बोल दर्शक बंधु आउ गोटे अत्यंत भल करुथिबा औषधटी अच्छी सेटा एमती जोगराज गुगुल रासनादि क्वाथ सहित अंत तीन मास खाइले आंठूगंठी बात निर्मूल हो जाए। यह बहुत परीक्षित अटे। जो मानकर आंठूगंठी बात बारंबार हुए से औषध सर्वश्रेष्ठ बोलिकी आयुर्वेदिक शास्त्र में वर्णना कराई। जोगराज गुगुल कबिराज पाखे मिल आपण से किणवाक हम रासनादि अर्थ हूँ रासना पुनर्नवा शुंठि गुलुची एवं जड़ाचेर सर्वसमष्टि दुई तोला बतीस तोला पानी रे सिद्ध करी चारि तोला रहिले छाणी जोगराज गुगुल संगे मिसेकरी खाइबे। तेब दर्शक बंधु आंठूगंठी बात एक भारी जंत्रणादायक रोग अटे। एथुरु मुक्ति पाइबापी बहुत प्रकार डाक्तरी औषधक चिकित्सा करी शेष को नी ट्रांसप्लांट
ଯେଉଁଟା ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠିକୁ ହୁଗୁଳେଇକିରି ସେ ଜାଗାରେ କୃତ୍ରିମ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଅଟେ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ମଧ୍ୟ ଅଟେ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ଆରୋଗ୍ୟ ନ ହୋଇପାରୁଛି। ତେଣୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଇସା ବ୍ୟୟ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ଆମର ଏଇ ସିଦ୍ଧ କବିରାଜୀ ଯାହାକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁରାତନ କାଳରେ ଭଲ କରି ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ କରି ଆସୁଛି, ଆକୁ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରିନେଲେ କ୍ଷତି କେଉଁଠି ଅଛି? ତେଣୁକରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବାତରେ ଏବେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନ୍ତତଃ ମୁଁ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଔଷଧ କହିଲି ସେ ତିନୋଟିରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ସେଠି ଆପଣ ଫଳପ୍ରଦ ହେଉନାହାନ୍ତି ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟିକୁ କରନ୍ତୁ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବାତ ରୋଗ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଥିଲା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବାତ ଉପରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବାର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସେୟାର କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଠି ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ ଭବେତ୍। ଓଂ ଶାନ୍ତି, ଓଂ ଶାନ୍ତି, ଓଂ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।